उत्तर प्रदेश की अयोध्या यानी भगवान राम की वो जन्मभूमि जो इस वक्त देश के पर्यटकों के लिए एक खास स्थान बन गई है। अयोध्या में रामनवमी के दिन एक नई शुरुआत हुई है। यहां आने वाले पर्यटकों को अब सिर्फ जमीनी रास्ते से नहीं बल्कि हवाई रास्ते से भी प्रभु श्री राम के उस विराट मंदिर के दर्शन होंगे जो 400 वर्षों के राम जन्मभूमि आंदोलन के बाद बन रहा है। रामनवमी के अवसर पर 28 मार्च से अयोध्या में एक नई शुरुआत हुई है। अगले 15 दिनों तक अयोध्या के राम मंदिर को हेलीकॉप्टर से दिखाने का काम किया जाएगा। इसके लिए उत्तर प्रदेश के टूरिज्म विभाग ने एक नई शुरुआत की है। हेरिटेज एविएशन की तर्ज पर उत्तर प्रदेश की अयोध्या में हेलीकॉप्टर के जरिए एरियल व्यू से भक्तों को भगवान श्री राम के मंदिर का दर्शन कराया जाएगा। पर्यटन विभाग के मुताबिक एक बार में इस हेलीकॉप्टर से 7 दर्शनार्थी हवाई मार्ग से राम जन्मभूमि का दर्शन कर पाएंगे। प्रति यात्री 3,000 रुपए का टिकट लगाया जाएगा। पर्यटन विभाग के मुताबिक इस हेलीकॉप्टर को अयोध्या के सरयू गेस्ट हाउस के काउंटर से बुक किया जा सकता है। इसके अलावा इस सर्विस से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए 2 नंबर भी दिए गए हैं। विभाग का कहना है कि मोबाइल नंबर 9412526465 और 7011410216 पर कॉल करके सुबह 9 से शाम को 6 बजे तक इस हेलीकॉप्टर के बारे में जानकारी ली जा सकती है और इसका सफर भी किया जा सकता है। पर्यटन विभाग के अधिकारी कहते हैं कि अयोध्या में राम मंदिर के भव्य निर्माण से पहले ये सेवा ट्रायल रूप में चलाई जा रही है। 2024 में इसे विधिवत शुरू करने की कोशिश है जिससे कि यहां आने वाले पर्यटकों को एक नया अनुभव मिल सके। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।